हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A04e फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A04e फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं, यानी फ़ोन को इरेज और डाटा कैसे कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट भी कैसे कर पाएंगे सैमसंग फ़ोन को। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे करें सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही आप फ़ोन को कैसे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और कैसे फ़ोन का ऑल डाटा आप रीसेट कर पाएंगे, तो आप देखते हैं कि सेटिंग्स शो हो रही हैं। तो आपको जाना है एंड आप देख सकते हैं कि इस पर क्लिक कर देंगे जनरल मैनेजमेंट सेटिंग्स पे, जिसमें आपके पास रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। एंड रीसेट ऑप्शंस पे जाकर आपके पास ये ऑप्शन आ गया है फैक्ट्री डाटा रीसेट। तो फैक्ट्री डाटा रीसेट का आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप फ़ोन का ऑल डाटा रीसेट करना चाहें या फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड आप गूगल अकाउंट, सिस्टम ऐप, डाटा सेटिंग, डाउनलोड ऐप्स, म्यूज़िक, फोटो, अदर्स ऐप, सर्विस टू प्रोवाइड, SD कार्ड्स वगैरह, उनको आप रीसेट कर सकते हैं और कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आप देखते हैं कि ऐप्स वगैरह को भी रीसेट कर सकते हैं और डिलीट ऑल डाटा भी कर सकते हैं, जिससे आपका फ़ोन है पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और ऑल डाटा को भी रीसेट कर पाएंगे सैमसंग गैलेक्सी A04e फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो